बचपन में कितना अच्छा होता है ना कि हम डर जाते हैं तो हमारा कोई बड़ा होता है तो उससे लिपट कर हम सो जाते हैं। आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस ड्रीम का मीनिंग। मुझे एक पर्वत दिखाई दिया जहाँ पे जैसे होता है ना बर्फ, तो ऐसे बर्फ का ऐसे धुआं धुआं सा, सुबह सुबह कैसे धुआं होता है, वो धुआं मेरी मेरे सोलमेट के मुंह से भी धुआं निकल रहा था। और मैंने देखा मेरे घर का जो बेडरूम है, मतलब ये ड्रीम देखा था और दूसरे दिन फिर मेरे बेडरूम में पूरा धुआं मुझे दिख रहा है ड्रीम में। मैं इसको डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, बट इस धुएं से मैं डर गई हूँ। क्या ये किसी ने एनर्जी सेंड की है या मेरे घर पे कुछ किया कराया है? ये धुआं क्यों दिख रहा है? ये है कि मैंने बहुत दिन से, मैं क्योंकि मैं बेडरूम इतना हॉल बड़ा है कौन आता है, तो मैं यूज़ ही नहीं करती बेडरूम, वो तो स्टोर रूम हो गया है। कैसे भी कुछ भी डालो और दरवाज़ा बंद कर लो, किसको पता चलता है? अंदर कोई दरवाज़ा खोल के देखता है, शॉक हो जाता है कि कितना साफ़ रखती है या कितने कपड़े अच्छे तरीके से कबर्ड में रखती है। कबर्ड दो दो लेके रखे लेकिन मैं एक भी यूज़ नहीं करती, ऐसे ही मेरे कपड़े पड़े हुए रहते हैं। तो कभी टाइम मिला तो, लेकिन मेरा टाइम तो खाना पकाने में ही चला जाता है। कुछ सुबह उठते जो भी है थोड़ा थोड़ा देखूंगी मैं, उसको साफ करूंगी। बट धुआं क्यों है, इसका क्या मीनिंग है? तो मैंने सर्च भी किया, मुझे कुछ करेक्ट मीनिंग नज़र नहीं आया। तो बाबा से कार्ड पूछे मैंने, मैं कार्ड्स दिखाती हूँ। साईं बाबा ने मुझे क्या बोला फाइनल में? साईं बाबा ने मुझे बोला उदी। तो मैंने थोड़ा उदी लगाया अपने घर में, हर जगह पे उदी छिड़की, बट ये धुआं क्या बता रहा है? मैं कार्ड्स दिखाती हूँ, बाबा ने मुझे क्या कार्ड दिखाया है। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये अटैचमेंट का कार्ड दिखाया। इसमें क्या लिखा है? इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रूल्स डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। मैं सोल पर्पस निग्लेक्ट कर रही हूँ? अब मैं तो अच्छे से कर रही हूँ, मैं तो सबकॉन्शियस हीलिंग ले रही हूँ इतने लोगों की, हैं तो वो तो कर रही हूँ मैं। दूसरा कार्ड दिखाती हूँ। ओके, एक्चुअली सबसे पहले ये कार्ड निकला था, फेस द रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिरेज, इट्स एन इल्यूजन। क्या मतलब है इसका? इल्यूजन है मेरा, बट दो दिन से कंटिन्यूसली धुएं के ड्रीम आ रहे हैं। और मैं, एक होता है ना, आपकी सोल डिटेक्ट कर लेती है, आपको नहीं पता, दिमाग को नहीं पता, सोल डिटेक्ट कर लेती है कुछ है तो घबरा जाती है, सोल खुद ही थर थर काँपने लगती है। अगर आप किसी निगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आ रहे हो तो डर, मतलब कुछ नहीं होता, आप डरे नहीं होते, अच्छे से सो रहे होते, बेवजह आप जो है झटकों से ऐसे डर के उठ जाते हो, वो भी 2 बजे समझ लो, तो ये टाइम ही है उनका। तो हाँ, तो पता नहीं आज मैं डर के ना उठूँ, यार कोई मुझे हील कर दो। तो ये, और एक कार्ड दिखाती हूँ। धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिसीज इन माई धुनी। एक आया है पावर ऑफ उदी, इसलिए मैंने उदी लगाई, थोड़ी खाई, थोड़ी सर के अंदर लगाई, ये भी निकल जाए तो वो रह जाए, ये सोच के तो ये उदी भी लगाई, सारे घर में उदी छिड़की मैंने, धुआं भी किया सारे घर में, अगरबत्तियाँ ही अगरबत्तियाँ जलाई। लास्ट में एक कार्ड आया है अबेंडेंस, वो तो आ रही बहुत, साईं बाबा ही मेरी सबसे बड़ी अबेंडेंस है। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबेंडेंस वेरी सून। आई नो अबेंडेंस तो बहुत आने वाली है, कुछ ज़्यादा ही आने वाली है। पता है मैं, मेरे 2-4 ही विशेष थी, जैसे बैठने को एक आराम से सोफ़ा हो, टीवी हो, फ्रिज तो लगता ही है, तो वो तो पूरी हो गई। तो अब तो ऐसा हो गया कि मैं ऐसा क्या करूँ खुद को खुश करने के लिए, ऐसा मेरे मन में सवाल आता है। कि पहले मैं सोचती थी चलो ये ख़रीद लूँ, फिर मैं सोचती थी वो ख़रीद लूँ। मेरा मैस्कुलाइन की तरह हो रहा है क्या?
वो भी सोचता है दुनिया की सारी चीज़ें मैं रख लूँ, खरीद लूँ, बट उसको सुकून नहीं मिलता। वैसे मेरा थोड़ा हो रहा है, एक्चुअली आई एम मिसिंग द सीनियर एनर्जी। ये पितृपक्ष भी है, मेरी लाइफ में कोई सीनियर एनर्जी नहीं है। एक थी मेरी मुंबई वाली मतलब फ्रेंड थी, जिसको मदर की तरह मैं समझती थी शिरडी में, बट वो बच्चों की तरह निकली। अब क्या बताऊँ मैं, वो खुद ही बच्ची निकली, वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगी, तो अब क्या करूँ। एक सीनियर एनर्जी की हमेशा जो है बाबा है सीनियर एनर्जी। मेरी फ्रेंड जो थी शिरडी में, उसके साथ भी मुझे सीनियर एनर्जी फील होती थी। वो मैं कुछ गलत कर दूँ या कुछ भी ऐसा, तो वो मुझे डांट के बोलती, देखो बाबा ने ऐसा बताया है। तो एक सुकून सा अंदर कॉन्फिडेंस सा रहता था कि चलो एक गाइडर मेरे पास है, वो फट से बताती, देखो बाबा ने ऐसा बोला है, ऐसा बताया है, और तुम ऐसा कर रही हो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलती थी ना, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। आई एम मिसिंग टू हर ऑल्सो। मैं हर एक उस सीनियर एनर्जी को मिस कर रही हूँ, मेरी नानी को मिस कर रही हूँ। हाँ, मेरी वो मुंबई वाली एक फ्रेंड थी, उसको भी मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनको भी बड़ा नॉलेज था किस किस चीज़ों का। लेकिन वो होते हैं ना बड़े 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 होते हैं लोग, ये छोटे 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 एकदम बच्चे बन गए, तो तो मैं परेशान हो गई। बट रियली मिसिंग अ सीनियर एनर्जी। ये पितृपक्ष भी चल रहा है, शायद हमारे पितर ही हमें मिस कर रहे हैं। कुछ तो अजीब सी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आई डोंट नो ये किस टाइप की एनर्जी है। वातावरण में ऐसे मैंने सन्नाटा सा फील हो रहा है। क्यों है ये एनर्जी, आई डोंट नो इसका क्या मीनिंग है। मुझे एक सीनियर एनर्जी की ज़रूरत है, ऐसा कोई जो इस जर्नी में बहुत शिफ्ट्स देख चुका हो। मराठी में बोलते हैं ना, उन्हाड़े पावसाड़े पहर ले ले, मतलब बहुत सारे समर्स रनर रेनी सीजन्स जिन्होंने देखे हुए हैं, ऐसा कोई जिसके पास जो है हम सेफ फील कर सके, जिसके पास नॉलेज हो, जो एक बात बोले तो उसके ऊपर विश्वास हो जाए, ऐसी कोई सीनियर एनर्जी। फिलहाल तो यार मुझे ही इतना सीनियर बुड्ढी बना दिया है, सबको लग रहा है कि यही बड़ी सन्यासिनी है। आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी का एक मिरेकल, आपके सारे कार्मिक ना अब बदल गए, अब सब चेंज हो गए। उनको ऐसा लगता है कि इसके पास दुनिया का सारे सवाल का जवाब है। ओके, पड़ोसियों को ऐसा ही लगता है, मेरे घर वालों को ऐसा लगता है, मेरे रिश्तेदारों को ऐसा लगता है, मेरे गांव वालों को ऐसा लगता है, मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसा लगता है, और वो मैं नहीं देती दोस्तों, वो बाबा देते हैं जवाब। ओके, मैं नहीं देती, बट रेजोनेट हो जाता है वो। तो मैं एक होता है ना कि बच्चों के सामने हम फियर नहीं दिखा सकते, जब हम ऐसे हो जाते हैं कि सबको लगता है कि बट ये तो कंप्लीट है, तो किसी के बाप से नहीं डरती, तो हम दिखा नहीं सकते कि हम डर गए हैं। और मिसिंग द सीनियर एनर्जी, मैं किसी सीनियर एनर्जी को मिस कर रही हूँ जो प्रोटेक्ट करे मुझे। काश मैं शिरडी में होती ना, तो थोड़ा सा मैं मंदिर चली जाती, समाधि के दर्शन कर लेती, या मुझे बहुत डर लगे तो मैं द्वारका माई में बैठ जाती, तो अच्छा होता। कृष्ण जन्माष्टमी को गई थी मैं, उसके बाद नहीं गई। अब जाऊंगी, बट मेरा मन नहीं करता कि मैं अकेले जाऊं, तो मैंने मेरी फ्रेंड, अब मेरे फ्रेंड्स हो गए काफ़ी, तो मैं उनको बुला रही हूँ कि आप भी आओ। मुझे बोर होता है अकेला, मैंने फिक्स किया बाबा से, बोल दिया कि बाबा मैं कभी भी अकेला नहीं जाना चाहती, मेरे साथ कोई तो फ्रेंड होनी चाहिए। कोई तो ऐसी फ्रेंड होनी चाहिए जिसके साथ मज़ा आए, खाना खाने साथ में जाए, पानी पूरी खाए और आइसक्रीम। बाबा का भोजनालय है, वहाँ पे भी जाए। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कोई भी बाबा के लिए ऐसा वैसा बोलता है। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने क्या बुरा किया है किसी का, उन्होंने क्या ऐसा गलत सिखाया है। वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बहन कर रहे, दोनों में झगड़े ना हो। कुछ दोस्तों उनको इतने डोनेशंस आते थे
वो कभी भी किसी सिंहासन पे नहीं बैठे या कोई बंगला बनाकर टूटी फूटी मस्जिद में बैठे। हर जाति पाति से उन्होंने प्यार किया। अछूत जिसको बोलते थे वो, अब मुझे केस मत ठोक देना ओके, मैं जस्ट बता रही हूँ कि लोग उस ज़माने में जो है बहुत अन्याय होता था उनके ऊपर। बाबा उनको अपने हाथों से खाना खिलाते थे और शिरडी ऐसा स्थान था जहाँ मस्जिद को द्वारका माई बनाया गया। मुझे वहाँ पे धुनी जलाई गई, वहाँ पे आरती होती थी उनकी। हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े रह के, कोई अछूत छूत अछूत नहीं ओके। तो ये उस टाइम पे सबक सिखाया था बाबा ने कि जाति धर्म को नष्ट किया था। पर आज 100 साल बाद क्या स्थिति है देखो, कितना दुर्भाग्य है। और ऐसे बाबा को जो सबको इंसानियत का सबक सिखाने आए थे, जो हिंदू मुस्लिम के कलह को दूर करने आए थे, झगड़ों को दूर करके उनको एक बनाने आए थे, देखो पीछे दत्त। कमेंट किए गए कि आपको कैसे पता। अरे मैं एक एम्पैथ हूँ, ट्विन फ्लेम हूँ, डिवाइन फेमिनाइन हूँ, इसीलिए आप मेरा चैनल देख रहे हो। अगर टाइम पास के लिए देख रहे हो तो भाई ठीक है, आप क्या कह सकते हैं। उनके लिए बुरा कहकर अगर आपकी आत्मा को सुकून मिलता है तो मैं क्या बोलूँ। वैसे भी बाबा को जो है, मैंने वो वीडियो बनाया था ना, उसके बाद मैंने गुस्से में तो बना डाला क्योंकि मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे जब बाबा को कोई बुरा कहता है मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे तो मैं तो उसका खून पी जाऊँ, महाकाली बन जाऊँ। वो नहीं थे किसी जाति पाति से, उनका किसी जात से, कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो ईश्वर थे। मिराकल्स वही कर सकता है जो ईश्वर थे। अंधों को आंखें मिली है। मुझे एक बात बताइए, जब शिरडी में बाबा आए थे ना, उस ज़माने में जो थे, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, वो किस तरह के संस्कार कल्चर होते हैं मैं जानती हूँ। बहुत घटिया होते हैं दोस्तों। उस समय लोगों ने उन्हें पत्थर से मारा, उन्हें मुस्लिम कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। बट बाबा की आंखों में फिर भी गुस्सा नहीं देखता था, वो एक शून्य नज़र से देखते थे। और धीरे 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 लोग पहले डरते थे उनसे, धीरे 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 सब ने उनको अपना लिया। लोग बीमार पड़ते थे, बाबा उदी से उनका इलाज करते थे। भयंकर से भयंकर बीमारियां बाबा उदी से दूर किया करते थे। कभी कभी अपने भक्तों के रोग खुद के ऊपर लिया करते थे। जिनको बच्चे नहीं थे उनको बच्चे हो जाते थे। मतलब इतने मिरेकल्स उन्होंने दिखाए कि लोगों को जो है घुटने टेकने ही पड़े, घुटने टेकने ही पड़े। कुलकर्णी बोल के थे, वो हमारी कास्ट के ही थे ब्राह्मण, वो उनके हमेशा अगेंस्ट थे क्योंकि वो शायद वैद्य थे। तो जाहिर सी बात है, जब धंधा पानी पे आँच आ जाए तो बुरा लगता है, तो वो शायद वो बाबा के थोड़ा सा नाराज़ थे। बट लास्ट में वो भी बाबा के भक्त बन गए। बाबा ने सबका दिल जीत लिया। शिरडी में आज इतना अबेंडेंस है कि दूर दूर से लोग आके वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते और खूब पैसा कमाते। कितने लोग फ्री में खाना खाते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत मैसेज दुनिया को नहीं दिया, या बाबा के साई चरित्र में जो है उल्टा ये नहीं बताया गया उनके ऊपर कितना अन्याय हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो पूरा नहीं बताया गया। उन ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, बट जल गया मेरा पराठा। करते हो तुम बाबा मेरा नाम हो रहा है। क्या करें अब। लोग बाबा को इसलिए मानते थे क्योंकि वो हर एक धर्म का जो है सम्मान ही करते थे। उनका उद्देश्य यही था कि बस लोग जो है घुल मिल के रहे, झगड़े ना हो, प्यार से रहे। इसलिए बाबा सबको बोलते थे राम और रहीम जो है ना एक है, वो अलग नहीं है। क्या तुम बच्चे पागल हो, क्यों एक दूसरे से झगड़ते हो, ऐसा मराठी में लाइन है उसके ऊपर। और राम और रहीम एक ही है, आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो तभी जो है
वो नदी के पलीकड़े नदी पार कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ लाइन है उसमें। तो इतना सुंदर मैसेज अगर कोई देता है और उसको आप फ़कीर बोलते हो, उसको आप मुस्लिम बोलते हो, उसको मंदिर से हटाते हो, और उन लोगों को जो जात पात के नाम से छूत अछूत की, मुझे आज भी बुरा लगता है सुनकर, मुझे याद आया तब मुझे बुरा लगा। जगन्नाथपुरी में मैंने सुना है कि, देखो अछूत मैं नहीं कह रही हूँ, ओके, अछूत कौन सी कास्ट को बोलते ये भी मुझे पता नहीं, बट ऐसा कुछ सुना था मैंने, सच है या पता नहीं मुझे, मुझे बताइए वो कृष्ण, वो तो ईश्वर है, फिर भी वहाँ पे वो तो हिंदू होते हैं ना, आपने जिनको अछूत बोला है वो तो हिंदू है, कहीं से भी बस भेद निकाल लेते हो और झगड़े या भेद शुरू कर देते हो। यू नो, मैं जब मैं अपनी लाइफ में सफरिंग भोग रही थी, सब लोग बहुत अबंडेंट थे और रिश्ते नाते सब थे, मुझे जैसे ससुराल और मैं कैसे अलग कर दिया था, तो जो एक अबंडेंट होता है ना, जिसको एक अछूत की तरह अलग किया जाता है, उसका दर्द क्या होता है मैंने भोगा है, तो मुझे पता है कि जब सब छोड़ देते हैं, कोई अपनाता नहीं है तो कैसा फील होता। तो हर वो कोई जिसको कोई अपनाता नहीं था उसको बाबा अपनाते थे, और मुझे भी ड्रीम में बाबा आए, मुझे बोले चलो मेरे साथ, और मुझे लगा ये कैसे पॉसिबल है, और एक साल में ऐसा कुछ हुआ, बाबा को सब पता था, तो मुझे याद आया इन्होंने मुझे बुलाया था, तो जब मेरा घर छूटा तो मुझे याद आया बाबा ने मुझे बुलाया था, फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं शिरडी में कैसे रह सकती हूँ बट उन्होंने जो प्लान किया सो किया और वो बन गया, और कुछ टाइम उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। वंडरफुल डेज, स्पेशली वहाँ पे जो सब्जियाँ ख़रीदने जाती थी मैं, एक मंगलवार को रहते थे वो मार्केट फुल भरता था, मुझे बड़ा सुकून मिलता था, मुझे तो किसी डीमार्ट हो या कोई भी बड़ा सा ये हो उसमें मज़ा नहीं आएगा, वो सब देखती थी ना मैं, मुझे बड़ा सुकून मिलता था। आई डोंट नो, ऐसे रंग बिरंगी सब्जियाँ, कुछ 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 वो पफ्ड राइस वो वगैरह सब होता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था घूम के, आई डोंट नो ऐसे घूमने गई हूँ ऐसा फीलिंग आता था मुझे, और मेरे लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं लिया कि सब्ज़ियाँ ख़रीदते, तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना मार्केट दूर था कि मैं फादर स्कूटी लेके जाते या ब्रदर वो जो भी है कोई लाता है, पर हम नहीं जाते, लेडीज़ नहीं जाती, तो वो एक सुकून खुद सब्ज़ियाँ ख़रीदने का वो मुझे वहाँ पे मिला। ओके, तो यार मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बाबा के लिए, ऐसे वैसे वचन मत बोलो, वो सचमुच ईश्वर है। आप वो लोग बोलते कैसे कैसे पता।